जीडी की कार्य प्रणाली में जल्द ही ऐतिहासिक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जीडी के कार्यालय में फाइलों की ढेर दिखना अब बंद हो जाएंगे। आखिर क्या है वो ऐतिहासिक बदलाव, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले दिनों जयपुर विकास प्राधिकरण का औचक निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में जेडीए के कार्यालय में बेतरतीब पड़ी फाइलों के ढेर और फाइलों की पेंडेंसी की बदहाली उनके सामने आई। इसके बाद फाइलों के प्रबंधन सुशासन की स्थापना और डिजिटाइजेशन को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल की हिदायत पर जेडीए सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के लागू होने से जेडीए की कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही जेडीए के कार्यालय में बेतरतीब तरीके से पड़े फाइलों के ढेर दिखाई नहीं देंगे। आपको बताते हैं कि इस आदेश के तहत क्या ऐतिहासिक बदलाव लागू करने के निर्देश जेडीए के सभी प्रभारी अधिकारियों को दिए गए हैं। जेडीए की सभी फाइलों की चार तरह की कैटेगरी बनेगी। इन सभी फाइलों को चार कैटेगरी में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम पर दर्ज किया जाएगा। ए कैटेगरी में 30 दिन में काम आने वाली फाइलें शामिल होंगी। बी कैटेगरी में 30 दिन से 90 दिन में काम आने वाली फाइल्स शामिल होंगी। सी कैटेगरी में 90 दिन से 2 साल में काम आने वाली फाइल्स शामिल होंगी। डी कैटेगरी में 2 साल से अधिक समय में काम आने वाली फाइल्स शामिल होंगी। ए और बी कैटेगरी की फाइलों की प्राथमिकता से स्कैनिंग की जाएगी। फाइल के एक एक दस्तावेज को स्कैन किया जाएगा। फाइल को राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन सृजित किया जाएगा और इसके सभी दस्तावेजों को उसे फाइल में अपलोड किया जाएगा। सभी नई फाइलें पूरी तरह राजकाज पोर्टल पर ही सृजित होंगी। इन पर कार्यवाही राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही होगी। आने वाले 2 सप्ताह में सी और डी कैटेगरी की फाइलों को ऑप्टिमाइज रैक्स में रखी जाएगी। जेडीए से संबंधित कार्यों में आमजन को राहत देने के लिए फाइलों के पारदर्शी तरीके से त्वरित निस्तारण की व्यवस्था भी लागू होगी। इसके लिए भी जेडीए सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश में क्या खास है इस पर नजर डालें तो 8 फरवरी से सभी फाइलें केवल राजकाज पोर्टल से ही स्वीकार की जाएंगी। फाइलों का ऑफलाइन मोड पर संधारण और निस्तारण मान्य नहीं होगा। फाइलों पर ऑनलाइन कार्यवाही होगी। ई फाइलिंग के लिए जेडीए अधिकारियों को 29 जनवरी से 7 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जेडीए का फाइलिंग प्रोसेस ऑनलाइन करने के लिए प्रकोष्ठ वार नोडल अधिकारी और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी अपने प्रकोष्ठ की राजकाज पोर्टल पर कार्य की समीक्षा करेंगे। सभी प्रभारी अधिकारी फाइलों की स्कैनिंग के लिए व्यवस्था करेंगे। फाइलों को ऑनलाइन करने से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत शामिल जेडीए की सेवाएं भी ऑनलाइन की गई हैं। इससे आवेदक को पता होगा कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास कब से है। जेडीए में आए दिन फाइलों के गुम होने और उसमें दस्तावेज गायब होने के मामले बंद होंगे। इससे जेडीए की संपूर्ण कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। फाइलों को बेवजह पेंडिंग रखने वाले कार्मिक भी इस व्यवस्था से बेनकाब होंगे। साथ ही फाइलों का समुचित रिकॉर्ड प्रबंधन भी किया जा सकेगा। सी और कैटेगरी की फाइलों का भी ऑनलाइन डेटा बनेगा। इससे पता चलेगा कि कौन सी फाइल किस प्रकोष्ठ के रिकॉर्ड में है। फाइलों पर ऑनलाइन कार्यवाही करने के लिए जेडीए के सभी कार्मिकों की एसएसओ आईडी क्रिएट की जाएगी। ये सारा काम 8 फरवरी से पहले पूरा किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।